रिसीव करो। मैं एक छोटी बच्ची को ही लेते हुए देख रहा हूं, उसके आंखों के रोग से, पेट के रोगों से, एक छोटी बच्ची को मैं ही लेते हुए देख रहा हूं, मैं उस बच्ची को ही लेते हुए देख रहा हूं। हालेलुया। तो जिस सिस्टर का नाम रिम्पी है और जिस सुल्तान विंड के रहने वाले हैं और जिनकी बेटी है और इसकी गवाही जे बता रहे हैं कि जब इसका बर्थ हुआ था और काफ़ी लेट हो गया था जब इस सिस्टर की डिलीवरी थी और इसका बर्थ लेट होने के कारण जो ये बेटी है इसकी जो पोटी थी इसके मुंह के अंदर चली गई और जे बता रहे कि आज इसकी जो एज है वो 8 साल की है और उस समय पोटी अंदर जाने के कारण इसके पेट में इन्फेक्शन हो गई थी जिसके कारण जे बेटी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी और जे बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि 1 साल तक इसका ट्रीटमेंट चलेगा और हर मंथ आपको इसको चेकअप कराने के लिए लेकर आना होगा। और जिस सिस्टर ने ऐसे वहाँ पर जो जिस डॉक्टर के पास जिस समय जे एडमिट थे वहाँ से जितनी मेडिसिन इन्होंने ली बाद में वहाँ तो नहीं गए पर इन्होंने 8 साल तक अभी जो अलग अलग डॉक्टर से मेडिसिन खा रहे थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने मेडिसिन खाई और इसके पेट की जो दर्द थी वो रुक नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा वो इन्फेक्शन उस समय से इसके पेट में थी, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन थी और जिसके कारण से बेटी बहुत परेशान थी। और जिस सिस्टर ने बताया कि इसकी दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इनको इस मिनिस्ट्री में आते हुए अभी 11 महीने हुए हैं और जिस सिस्टर के आज से ऐसे कुछ महीने पहले जब ये प्रॉब्लम थी और इन्होंने बताया कि इसके जो आँख में इसके जो मदर है इसका नेल लग गया था और उसके कारण इसकी आँख में ब्लड इकट्ठा हो गया था और उस समय इसकी मदर इससे भी काफ़ी परेशान थी कि इसकी आइज़ को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। और जैसे ही उस समय जिस सिस्टर फर्स्ट टाइम 30 सितंबर की मीटिंग में आए थे, उस दिन जो फर्स्ट टाइम ये होशवर रंजीत रॉबिन मिनिस्ट में 30 सितंबर की मीटिंग में आए थे और अभी इनको 11 महीने हो गए हैं और जैसे उस दिन मीटिंग में आए और प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और जैसे ही प्रभु के दास के मुख से प्रोफेसी वर्ड आया कि एक छोटी बच्ची है जिसकी आँख और उसके पेट में प्रॉब्लम है। और पहले हम इस वर्ड को देखते हैं, वीडियो क्लिप को। को ही लोते देख रहा, मैं छोटी बच्ची को ही लोते देख रहा, रिसीव करो। मैं छोटी बच्ची को ही लोते देख रहा, उसके आंखों के रोग से, पेट के रोगों से, एक छोटी बच्ची को मैं ही लोते देख रहा हूं, मैं उस बच्ची को ही लोते देख रहा हूं, रिसीव करो और ग्रैंड करो। मैं कहता हूं रिसीव करो और ग्रैंड करो, रिसीव करो और ग्रहण करो। परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपको छू रहा है, छू रहा है। ऋषभ बोलिया ले शाखा रा बाबा रे जंद्रे न लहू ऋषखा रे जंद्रे न नकुनिया लखनिया शिखंद ले बेबे रे बारा कू ऋषभ बोलिया ले बेबे 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 रे जंद्रे न रही सकोरे ले बेबे 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 तमाम रोगों से मैं आपको हील कर। इन्होंने उस दिन जब फर्स्ट टाइम मीटिंग में आए थे और जब इन्होंने इस वर्ड को सुना और जो बहुत हैरान हुए कि जो प्रॉब्लम तो जो दोनों जो प्रॉब्लम है इनकी बेटी को है और जैसे जो सिस्टर आगे आए और इनके लिए ले हैंड रही। आओ अभी हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। जे वो छोटी बच्ची है जिसकी आईज में भी प्रॉब्लम और इसके पेट में बचपन से ही दर्द है, जब से इसका ब्रत मतलब जन्म से ही इसके पेट में दर्द है। देखो कहां से आए, इनके साथ कोई आया जी? इसके मदर भी आए। इसके मदर आए? आप पहली बार आए हो? मैंने क्या कहा था? सुनो सुनो सुनो, क्या इसकी आईज में क्या प्रॉब्लम है? पापा मेरा ना नाखून लग गया था, सर्दियों की बात है, तो मैंने बहुत मेडिसिन वगैरह करवाई तो वो खून जम गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और पेट में क्या है? पेट में इसके जब से इसका बर्थ हुआ है तब से इसके पेट में दर्द है, कुछ भी खाती है डाइजेस्ट नहीं। आप पहली बार आए हो आज, है ना? देखो
देखो मैंने कहा ना परमेश्वर कैसे मन की बातें जानता है। हाँ बोलो क्या है, मुझे क्या पता इसे क्या हुआ, बोलो। पर किसे पता है? जिसके पास आए उसके पता है, बोलो क्या है उसे पता है। उठाओ अपने आपों को, इसलिए कह रहा हूं यस खुदा बंद, मैं से पूरी तरह से इसकी आंखों की प्रॉब्लम से मैं हील करता हूं। लिहो रिशाखा बाबा, रिशाखा बाबा, मैं से छूता हूं यीशु तेरे नाम से, मैं छूता हूं खुदावंद तेरे नाम से इसकी आंखों की जो भी प्रॉब्लम है, आज पूरी तरह से यीशु मसीह तेरे नाम से सही हो जाए। पूरी तरह से खुदावंद मैं से आजाद करता हूं, इसके पेट में जो भी प्रॉब्लम है खुदाबंद वो चली जाए। यस तू शाखा बाबा, रे शाखा ला बाबा बाबा बाबा, रे संद्रो ना लाखूरी शाखा, मैं आजाद करता हूं यीशु तेरे नाम से हर उस अंधकार की जो इसके जीवन में जो शैतान ने जगह बनाई है, मैं आज्ञा करता हूं चल इसके जीवन से शैतान, छोड़ उसके पेट को, छोड़ उसकी आंखों को, आउट आउट पूरी तरह से, छोड़ 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 राइट नाउ, चल पूरी तरह से आउट आउट फ्री विद द नेम ऑफ जीसस पे है। और जैसे इसके लिए प्रेयर हुई और जो इसके पेट में दर्द थी, खाना नहीं पचता था, उसके बाद परमेश्वर ने इसकी प्रॉब्लम को पूरी तरह से, इसके आईज में जो प्रॉब्लम थी उससे भी इसको फ्री कर दिया, इसके पेट की प्रॉब्लम से इसको फ्री कर दिया। और जिस सिस्टर ने बताया कि पिछले 4-5 महीने एकदम से फिर अचानक से इसके पेट में दर्द शुरू हो गई, और फिर से इन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर जी जैसे अपने दास के द्वारा इसके लिए प्रेयर हो गई है और आपने इसके इस दर्द को उस समय अच्छा कर दिया था, और आज भी मैं विश्वास करती हूँ। फिर से उन्होंने प्रार्थना की और इसकी जो दर्द थी फिर से बिल्कुल अच्छी हो गई और अब तक बिल्कुल सही थी। और अभी जो सिस्टर ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही इसको, इसकी मदर को इसका रात के समय काफ़ी बुरा सपना आया, और जिस सपने में इनको दिखाई दिया कि इसकी डेथ हो गई है, और उसके कारण इनके मन में बहुत डर आ गया कि ये कैसा अजीब सपना था। और उसके बाद इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर जो मैंने इतने समय से गवाही नहीं दी, इन्होंने अपना मन बनाया कि परमेश्वर मैं अगले संडे जाकर ही परमेश्वर जो गवाही है इसकी दूंगी, और परमेश्वर आप मुझे माफ़ कर दो। और फिर से इन्होंने प्रार्थना की, क्योंकि इन्होंने कुछ हफ्ते से कुछ मीटिंग भी अटेंड नहीं थी की, और जैसे इन्होंने अपना मन बनाया, विश्वास किया और परमेश्वर इसके बेटी को संभाल कर रखा, और आज तक जो 8 साल की इनकी बेटी होगी परमेश्वर ने पूरी तरह से इसकी प्रॉब्लम से इसको अच्छा किया है। और इस गवाही के लिए परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हम सब, तारीफ करेंगे क्लीसिया पूरी जोर से जोर से। सुनो सुनो सारी, कितने लोगों को समझ आई, कितने लोगों को समझ आई खुदामंद ने कितना बड़ा काम किया। बोलो क्या किया, बचपन से जो प्रॉब्लम थी, इतनी मेडिसिन, इतने डॉक्टरों के पास गए, कुछ नहीं हुआ, पेट का रोग जा नहीं रहा, और ऊपर से आग की प्रॉब्लम भी आ गई, और समझ नहीं आ रही थी कैसे होगा। पहली बार आई और खुदावंद के आत्मा ने मेरे मुंह से बोला छुटकारे का वचन के लिए, और खुदावंद ने फ्री भी किया, आजाद भी किया, पर ये भूल गए कि हमने किसकी प्रेस करनी, किसकी महिमा करनी, जिसके कारण फिर से हालात आ गया। फिर प्रेयर की, नहीं परमेश्वर तूने पहले ही अच्छा किया है, नहीं है, फिर खुदावंद ने अच्छा कर दिया, पर फिर नहीं, इन्होंने आकर ये नहीं सोचा कि हम जाकर क्या करें, प्रभु की प्रेस करें, उसकी महिमा करें। और फिर एक सपना आया इसका, छोटी बच्ची का, कि इसकी डेथ हो गई। तब खुदावंद ने ऐसे मन में ढाला कि मैंने देख तेरे लिए कितना बड़ा काम किया है,
और तूने मेरे नाम को महिमा नहीं दी, तब इन्हें याद आया और इसलिए ये आस गवाई। कितने समय के बाद, कितने महीने के बाद? 11 महीने हो गए। 11 महीने हो गए और ये आस गवाही दे रहे, क्योंकि खुदावंद ने जब 11 महीने ये पहले आए थे तभी ये काम कर दिया था, क्योंकि बीच में भी ये कम आए। बोलो क्या आए? कम आए, इतना नहीं आ पाए, तो खुशी होनी चाहिए ना। बोलो क्या है? पर परमेश्वर भला है कि वो अपनी महिमा अपने लोगों से खुद कराना जानता है। बोलो क्या है वो कराना? इसलिए ये आज आपके सामने खड़े हैं और जो बड़ा काम खुदावंद ने किया उसकी आज ये महिमा कर रहे हैं। तारीफ करो दिल से उस खुदावंद मेरे ये, मेरे ये तू जी दे दोर क्या बात है। जोर से हालेलुया बोलते सब। तू जी दे दोर क्या बात है। आमेन, आमेन, हालेलुया।